मांघी पूर्णिमा एक पवित्र पूर्णिमा। मांघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने से, जप तप करने से, दान देने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि माघ मास में जल का ये कहना है कि जो सूर्योदय होते ही स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वो शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। सूर्य के मकर राशि में रहने पर या पूरे माघ महीने में भाग्यशाली स्नान कर सकता है। इसी को ध्यान में रखकर पद्म पुराण में यह उल्लेख है, जिनके पास समय और धन की कमी है, शरीर निरोगी नहीं है, वो माघ शुक्ल त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा को अगर विधि विधान से सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, व्रत करें, दान करें तो संपूर्ण मांग स्नान का फल मिल सकता है। मांग में गणेश, सूर्य, गंगा, दुर्गा, विष्णु, शिव आदि समस्त देवतागण व्रत उपास दान आदि के अलावा सूर्यदेव से पूर्व स्नान करने से परम प्रसन्न होते हैं। पुराणों में मांघी पूर्णिमा के बारे में कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में विराजमान रहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से संवत्सर में कौन कौन सी तिथियां स्नान दान में अधिक पुण्यप्रद हैं, तो कृष्ण ने कहा मांघ पूर्णिमा वैशाख और कार्तिक पूर्णिमाओं के समान ही फल देती है। मांघ पूर्णिमा में शिव की परम प्रिय काशी में जीवनदानी गंगा का स्नान अद्भुत फल देता है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु व्रत उपास दान आदि के बजाय केवल सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से परम प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष की नज़र से देखें तो इस दिन सूर्य मकर राशि में अपने पुत्र न्यायकारक ग्रह शनि के साथ हैं, जिन्हें अपनी ही राशि कर्क में विराजमान चंद्रमा द्वारा देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है तिथि को लेकर बहुत सारी बातें चल रही कि 8 तारीख को मांघी पूर्णिमा है कि 9 तारीख को मांघी पूर्णिमा है। तो चलिए आपको हम बताते हैं मांघी पूर्णिमा का क्या है मुहूर्त। तो ये है मांघी पूर्णिमा का मुहूर्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीने में देवता पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करने प्रयाग में स्नान दान आदि जप करते हैं। यही वजह है कि इस दिन कहा जाता है कि प्रयाग में गंगा स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होकर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।